करेंगे। दो ही मुद्दे हैं, अब यहाँ शांत हो जाए, एक साथ करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं, एक मिनट, इफ यू स्पीक यू कांट गेट ईच अदर देन। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक बहु पार्टी डेलीगेशन, जिसमें मेरे सब वरिष्ठ कॉलीग्स यहाँ खड़े हैं अलग अलग विभिन्न पार्टियों से। ये तीसरी बार इस चुनाव में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। आज हमने दो तीन मुद्दे स्पष्ट रखे उनके सामने, उन्होंने हमें कम समय में समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट्स, ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो X है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2X या 3X होते हैं, यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी, यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। इस बात को कई बार अलग अलग रूप से चिट्ठियों द्वारा और गाइडलाइंस द्वारा चुनाव आयोग ने दोहराया है। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है, और अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है, वो नहीं किया जा सकता कानून में। गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है, इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते, बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए, और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। फ्रेंड्स, वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश, वी वेंट, एज यू कैन सी, दिस इज द थर्ड मल्टी पार्टी डेलीगेशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एंड माई वेरी एमिनेंट कॉलीग्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज आर स्टैंडिंग हियर, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स। दिस मल्टी पार्टी डेलीगेशन स्पेंट टाइम विद द इलेक्शन कमीशन एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दे गेव अस टाइम एट शॉर्ट नोटिस ऑन 2 or 3 मेजर इशूज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज the vital importance of counting postal ballots first, of declaring the result of postal ballots first. This is very clearly stated in the statutory rule, rule 54A, which specifically says that you shall take up and deal with the postal ballots first. First is not my word, it is a statutory rule.
This has been understood by the Election Commission over the years, and in particular the Election Commission elaborated this in 2019 in writing, that even if you start the EVM counting while the postal ballot counting is going on, even then you shall stop the EVM counting if it has reached the end, and first declare the postal ballot counting result. This is specifically reiterated in 2019 and other letters of the EC which we read out to them. Our complaint is that this statutory rule and this 2019 guideline has been given the go-by. The Chunav Aayog has now repealed this 2019 practice. The net result is that by a method of practice, EVMs can be counted, and if the EVM counting gets over before the postal ballot, it will still be completed. In other words, the postal ballot counting and result need not be declared first. This, number one, is a very grave and a clear violation of a statutory rule. Number two, you cannot change a statutory rule by a guideline or a letter. Number three, this is the understanding in the guidelines of 2019 of the EC itself, and that can't be repealed. And above all, number four, we all know that the total difference in votes between the two main contending parties in a particular area or even the whole state, let us assume it is X, the postal ballots may be 2X or 3X, outstripping that entire margin for the whole state between two parties. In other words, the result which is north can become south by the postal ballot supposed counting, or east can become west. It is therefore vital that the spirit which underlies Rule 54A, which cannot be amended or repealed, must be followed. There is no problem in stopping the EVM counting, even if it has reached the penultimate round, and first declare the postal ballot result, and then go on to the EVM. So friends, this is the main complaint. The two other complaints, one of them will be addressed by my friend Mr. Yechuri. It is to direct the counting officials to follow the existing guidelines. We are not asking for new guidelines, but unfortunately what is already stated in the guidelines is not being followed by the counting officers. Thirdly, there are issues which the SP, Samajwadi Party, has raised about officers in certain areas and other issues. They gave us a patient hearing and we are awaiting a strong action. Also on 17C, my colleagues raised issues. As you remember, we had led the earlier multi-party delegation on 17C also. Now, Mr. Yechuri, want to add something? Which can I have? I'll speak in English. These are all ठीक है मैं ये सब सवाल जो हमने आज उठाया चुनाव आयोग से, ये सब सवाल जो उठाए गए हैं चुनाव आयोग से, ये सब उनके रूल्स और उनके गाइडलाइंस में ऑलरेडी मौजूद है। सवाल ये है कि ये लागू नहीं हो रहे, ये हमारा अनुभव। काउंटिंग में हर समय परेशानी होती है हमारे काउंटिंग एजेंट्स को। वो जब भी कुछ मांगते हैं रूल के तहत, उसे कहा जाता है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिखित में ले आओ। अब ये एक संभव हो नहीं पाता काउंटिंग के समय, तो इस तरीके से कई सारी बातें टल जाते। तो हमने उनसे आग्रह यही किया, जो बातें आपने खुद कही अपने गाइडलाइंस में, उसको लागू करवाने के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दो, या आपके जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको ये हिदायत दी जाए कि ये सब लागू हो। उनमें से जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको रेखांकित करके बता दूँ। मुख्य जो इश्यूज़ है वो हमने यही कहा था कि ये इंश्योर करना चाहिए, नंबर वन, सेफ मूवमेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट्स थ्रू ए CCTV मॉनिटर्ड कॉरिडोर। कहाँ से ले आते, कहाँ से, मतलब उसको काउंटिंग टेबल पर रखते हैं, मतलब ये सब जो है, दिस शुड बी थ्रू ए CCTV मॉनिटर्ड कॉरिडोर। नंबर टू, वेरिफिकेशन ऑफ द करंट डेट एंड टाइम डिस्प्लेड ऑन द कंट्रोल यूनिट्स। ये वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये वेरीफाई नहीं होता, वो ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिलती कि ये वही कंट्रोल यूनिट है जो 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 वहाँ से आया पोलिंग बूथ से, ये बदला नहीं गया।
तीसरा कंफर्मेशन ऑफ द स्टार्ट एंड एंड टाइम एंड डेट ऑफ पोल एंड डेट ऑफ वोटिंग प्रोसेस इन दी काउंटिंग एजेंट्स, वही उसी मशीन से जो आता है डेटा दैट हैज टू बी कंफर्म कि कौन से डेट पे उसको शुरू हुआ, ताकि चुनाव का डेट, चुनाव का शुरू होने का समय, अंत होने का समय, ये सब जो है रीचेक करना ज़रूरी है काउंटिंग शुरू होने से पहले। इससे आगे हमने कहा कि ये सब जो स्लिप और टैग्स और कई सारे चीज़ें जो होती है जब आपका ईवीएम सील होता है, ये सब जो है सबको वेरीफाई करके दिखाना चाहिए सबको और सब काउंटिंग एजेंट्स को, और जो उसके आधार पर दैट कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट प्रेस करने के बाद, कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट के लिए आप बटन प्रेस करने के बाद वो डेट ऑफ द पोल को रिकन्फर्म करना कभी होता नहीं, दैट हैज टू बी इंश्योर्ड। तो इस तरीके से हमने यही कहा था कि कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने इंडिपेंडेंट हैं, नंबर ऑफ पार्टीज आर पार्टिसिपेटिंग एंड द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट प्रायर टू द डिस्प्ले ऑफ द कैंडिडेट वाइज नंबर ऑफ वोट्स कास्ट फॉर ईच कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, दैट इज वे द डिस्प्यूट्स हैव ऑलवेज अरिजन, दैट हैज टू बी वेरीफाइड एंड डिक्लेयर्ड प्रायर to declaring the votes for each candidate. So these are the matters that we said will have to be ensured that they are followed properly, and the observers must be instructed that in case we have our objections, they cannot use the excuse saying that get a instruction from the ECI, but they'll have to follow according to the rule books. So this is the essence of what we have said. Postal ballots you have already explained. Thank you. Sir, दो सवाल सर, अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, आपने कहा कि जो पहले के रूल है पोस्टल बैलेट में, क्योंकि आप लोग को बहुत जानकारी भी है रूल्स की, तो पिछली बार जब रूल्स बदल गया था तो लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग का ध्यान है कि पोस्टल बैलेट के दिशा निर्देशों में इन्होंने बदलाव किया है, और सर आप कह रहे हैं कि जब भी अधिकारी लोग बोलते हैं कि चुनाव आयोग से लिखवा कर आइए, इनका पूरा हैंडबैक हैंडबुक होता है, क्या उस हैंडबुक के साथ आप अपने इलेक्शन एजेंट को या काउंटिंग एजेंट को नहीं भेजते कि उसी समय दिखा दो वो हैंडबुक? इनकी तरफ कितने हैंडबुक एक पार्टी इकट्ठा करेगी भाई, एक कितने हैंडबुक है।